देखिए तेज प्रताप जी, जो शुभकामना हम जो दे रहे हैं, नौजवान हैं, वो भी नौजवान हैं, हम भी नौजवान हैं, तो नौजवान नौजवान को आगे बढ़ने का शुभकामना देता है, तो अपना जीवन को, शादी का, नया जिंदगी का वो शुरुआत करने जा रहे हैं, तो ढेर सारा शुभकामना है मेरे तरफ से। इवन जो संगनी जो है उनकी होने वाली, उनके साथ कभी लड़ाई झगड़ा ना करें, पारिवारिक एक दाम्पत्य जीवन का जो सुख होता है वो उनको बांटे। आज बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी के बेटे उत्कर्ष की बिना बैंड बाजा वाली शादी होने जा रही है। यह शादी भले ही सिंपल तरीके से हो रही हो, लेकिन इसमें मेहमान बहुत ही स्पेशल आ रहे हैं। कई दिग्गज नेता, राज्यपाल, मंत्री समारोह में जुटने वाले हैं। इस बीच जैसे ही ये खबर आई कि शादी में सुशील मोदी के बड़े विरोधी माने जाने वाले राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद भी शामिल हो रहे हैं, सियासी गलियारे में चर्चा शुरू हो गई। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि उत्कर्ष की शादी में लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप भी शामिल होंगे। उन्होंने सुशील मोदी को पिता तुल्य भी कहा है। सुशील कुमार मोदी जी पसंद करें क्योंकि वो अंकल है, लेकिन पिता हमारे जिन्होंने मुझे जन्म दिया और माता, तो वो लोग तय करें। पसंद करना उनका काम है, तय करना इनका काम है, मेरे माता पिता। बता दें कि सुशील मोदी के बेटे की शादी में तेज प्रताप यादव ने घर में घुसकर मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद सुशील मोदी को विवाह स्थल ही बदलना पड़ा। पर अब खबर है कि तेज प्रताप यादव ने सुशील मोदी को पिता समान बताया। तेज प्रताप ने उत्कर्ष की शादी की बधाई देते हुए कहा कि अब सुशील मोदी मेरे लिए भी लड़की पसंद करें, वे मेरे भी शादी कराएं। उनके इस बड़े बयान के बाद चर्चाओं का दौर फिर से शुरू हो गया है। देखिए, माता पिता जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो लोग खोजते हैं, तो माता पिता हैं सुशील कुमार मोदी जी, बुजुर्ग होते हैं, जो सीनियर होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो लोग तय करते हैं कि कैसी लड़की होनी चाहिए, अच्छी लड़की होनी चाहिए। कि सुशील कुमार मोदी जी अपने बेटे की शादी करती हैं, तो अब सुशील कुमार मोदी जी बहू खोजेंगे। आखिरी मौके पर लालू परिवार का सुमो की बेटे की शादी में शामिल होना एक राजनीतिक स्टंट भी बताया जाने लगा है। मालूम हो कि तेज प्रताप यादव के इस बयान से थोड़ी देर पहले लालू प्रसाद ने भी यह जानकारी दी थी कि वे सुशील मोदी के बेटे की शादी में जरूर जाएंगे और वहां सुमो के बेटे उत्कर्ष को बधाई भी देंगे। उन्होंने कहा है कि शादी की बात है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां तक राजनीति की बात है तो वो तो होती ही रहती है, लेकिन शादी के इस अच्छे मौके पर राजनीति होना ठीक नहीं है। बता दें कि सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद को शादी का न्योता भेजा था। पटना से लाइव सिटीज के लिए साहेब अली की रिपोर्ट।